मूड तो अच्छा लग रहा है। चलो आपकी का रूम सेट हो ही गया। अरे 5 बज गए, मैं घर में कॉल करके बता देता हूँ। हेलो, हाँ मम्मी क्या चल रहा है? अच्छा हाँ, मेरा सब सेट हो गया है, रूम बहुत अच्छा है। हाँ बाकी सब अच्छा है, बस कल 10 बजे क्लास है मेरी। हाँ हाँ नहीं, वो मैं देख लूँगा। क्या ले लिया? कैंडल्स? नहीं अभी नहीं खरीदी, अभी 2-3 चीज़ें हैं जो खरीदनी हैं। हाँ, मैं कर लूँगा। कैंडल्स लेकर बंद कमरे में मेडिटेशन करनी है। हाँ कर लूँगा मैं, टेंशन मत लो। हाँ बाकी सब अच्छा है। अरे मेरा खाना आ गया, कल बात करते हैं, बाय। अरे मेरे रूम में कोई आया था क्या? कब? जब मैं क्लास में था उस टाइम मेरे रूम में कोई आया था क्या? नहीं। ओके अरे रूम तो साफ है, थक गया हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। कौन है वहां पे? कौन है इधर? कौन है?
साल की तरह इस साल भी हमारा यहाँ का क्लास का बेस्ट स्टूडेंट और हमारा है मिस्टर पवन, प्लीज कम ऑन स्टेज। हाँ मम्मी, मेडिटेशन करने जा ही रहा था तो कौन है इधर? भाई ये बताओ, पिछले दो दिन से मेरे रूम में कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। उसके बारे में कुछ पता है क्या? ये बात तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ महीना पहले एक लड़का था तो मर गया। उसको दिन भर काम करते करते उसका दिमाग हैंग कर गया। अच्छा, वो मर गया? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, कहीं वो मेरे वाले रूम में तो नहीं रहता था? हाँ, आप ही के रूम में रहता था वो। सर, मुझे ये होस्टल में नहीं रहना, मुझे ये होस्टल छोड़ना है। लेकिन क्यों, क्या हुआ? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बिल्डिंग देख रहे ना आप, पिछले 5 सालों से बंद पड़ी है, यहाँ रहता कोई नहीं है, मगर लोगों की हर रोज बातें करने की, चलने फिरने की आवाज आती रहती है। सिर्फ एक कल्पना है, आप जितना सोचेंगे उतना डरेंगे। अगर आपने सोच लिया कि आपको डर नहीं लगता तो आप नहीं डरेंगे।